जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस भी एरिया में ये पोस्टर लगा होता है, दिस एरिया इज़ द जियो फाइबर रेडी, तो दोस्तों उस एरिया में जियो फाइबर रेडी होता है, मतलब आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, इंस्टॉलेशन जियो फाइबर कनेक्शन ले सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको जियो फाइबर कनेक्शन चाहिए तो आपको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि दोस्तों, जियो फाइबर कनेक्शन लेने के लिए आप लोगों को कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बिल्डिंग है, सोसाइटी है, या इंडिविजुअल फ्लैट है, या फिर रो हाउस है, तो सबसे पहले आपको ना जियो का फैड बॉक्स लगाना ज़रूरी रहता है। तो आप लोगों ने फैड बॉक्स नहीं देखा है तो मैं आपको फैड बॉक्स का एक वीडियो बना दूंगा, कैसा होता है फैड बॉक्स। तो सबसे पहले कि दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग में उसका प्रोविज़न होना चाहिए, मतलब फैड बॉक्स होना चाहिए उनका, तभी जाके आप कनेक्शन ले सकते हो। तुरंत ये नहीं कि आपने तुरंत इंस्टेंट अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद तुरंत मिल जाएगा। अगर आपके सोसाइटी में, आपके बिल्डिंग में प्रोविज़न है जियो फाइबर का, तो आप तुरंत ले सकते हो। बट आपके सोसाइटी में, आपके बिल्डिंग में प्रोविज़न नहीं है तो आप तुरंत नहीं ले सकते। बट दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से ये होगा कि दोस्तों, कंपनी में मालूम पड़ जाएगा कि इस एरिया से, इस बिल्डिंग से हमें कस्टमर की रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे लोगों को चाहिए जियो फाइबर, तो आप ये बेनिफिट कर सकते हो। तो उस प्रोसेस को टाइम लग सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो वो डिपेंड करता है कि दोस्तों कितने जल्दी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि दोस्तों 5-6 दिन में भी हो जाए, हफ्ते भर में भी हो जाए, बट दोस्तों टाइम में फिक्स नहीं बता सकता आपके एरिया में कितने दिन में कनेक्टिविटी होगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये हेल्प करूँगा कि आपको क्या करना है अगर आपके एरिया में जियो फाइबर कनेक्टिविटी करनी है या फिर अपने बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जियो कस्टमर केयर का नंबर है, ये जियो कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल कर लेना है और आप लोगों को अपने एरिया में जियो फाइबर कनेक्टिविटी है या नहीं है उसका पता लगाना है। तो दोस्तों, यही कस्टमर केयर नंबर है जियो फाइबर का। उसके बाद ये जो दो नंबर दे के रखे दोस्तों, ये मैंने जियो फाइबर के व्हाट्सअप नंबर दे के रखे हैं। अगर आपके एरिया में पता लगाना रहेगा कि किस तरह लगाए, तो ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जियो का ही नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, जियो का नंबर है, तो आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे बारकोड दिया गया है, आप बारकोड पे स्कैन करके भी जा सकते हो, या फिर दोस्तों जियो के वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, प्लान देख सकते हो। काफ़ी दोस्तों अच्छा प्लान है जियो फाइबर का। जियो फाइबर में दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन, टीवी कनेक्शन, OTT सब्सक्रिप्शन, लैंडलाइन नंबर, लोकल स्टडी कॉल, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जियो फाइबर में। तो बहुत सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने आप चाहे इंडिया में कहीं से भी, किसी राज्य से भी हो, तो दोस्तों बहुत जगह पे जियो फाइबर लाइव है, बहुत जगह पे। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके एरिया में भी लाइव होगा, तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके एरिया में लाइव है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके एरिया में लाइव नहीं, आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो दोस्तों आपको ये कस्टमर केयर नंबर बहुत हेल्प होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे के रख दे रहा हूँ जियो फाइबर का वेबसाइट का। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे अपना नाम, नंबर ये डालना है, और उसके बाद आपको सामने से कॉल आएगा जियो फाइबर एडवाइज़र का, वो आपको बताएंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, जो मैंने वेबसाइट का लिंक दे के रखा है वो जियो का है। एक बार किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि वेबसाइट वो सही कि गलत है। तो मैंने जो वेबसाइट दे के रखा है दोस्तों, जियो का ही है, तो आपको बेफिक्र होके जा सकते हो आप। अगर आपके पास डायरेक्ट जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो जियो फाइबर के वेबसाइट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा यही बताने का एम्बिशन था, कि इंटेंशन था, कि आप लोग इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है जियो फाइबर रिलेटेड, आपको एरिया में चाहिए, कनेक्टिव कनेक्शन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ जियो फाइबर बुकिंग करने का, कनेक्शन के लिए।